नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का हमारे चैनल पर। तो इंडियन टीम जो है पहुंच चुकी है यूएस और अब वर्ल्ड कप का आगाज़ होने जा रहा है और भारत को कल बांग्लादेश के खिलाफ पहला प्रैक्टिस मैच खेलना है। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ लेजेंड क्रिकेटर कपिल देव सर आए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका जी। थैंक यू, शुक्रिया सर। जानना चाहते हैं सर, अभी अभी IPL खत्म हुआ है और अब जिस बेसब्री से इंडियन फैंस जिसका इंतजार कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की बारी आई है और पूरा जोश है, इंडियन टीम इस बार हमारी बहुत अच्छा करेगी, कैसे देखते हैं सर इस बार? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अलग पिच है, बहुत सारी चर्चा हो रही है और अमेरिका में इतना बड़ा प्रेशर से, जो आजकल के बच्चे कहते हैं कि IPL में बहुत प्रेशर है, वहाँ से निकल के सीधा हिंदुस्तान को खेलना शायद कहना बड़ा आसान होगा, लेकिन यहाँ पर एक बार दोबारा टीम इकट्ठा होना और उसको रिदम में आना शायद थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा है। पहला मैच आपका थोड़ा इजी मैच कह सकते हैं, लेकिन T20 में कोई भी मैच इजी नहीं है। सर, टीम इंडिया USA पहुंच गई है, पहला प्रैक्टिस मैच अगेंस्ट बांग्लादेश टीम खेल रही है। शायद बांग्लादेश की टीम उतनी स्ट्रांग नहीं, क्योंकि हमने देखा उनके हाल ही में जो सीरीज हुई USA के अगेंस्ट, उन्होंने दो मुकाबले उन्हें हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त चल रहा है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है, वो ये है कि ओपनिंग पोजीशन जो है वो क्या रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल करें या विराट कोहली को प्रमोट करके ओपनिंग पोजीशन के लिए लाना चाहिए, क्योंकि RCB के लिए IPL में उन्होंने अच्छी ओपनिंग करी है। आई थिंक कम्बिनेशन आपको इंडियन टीम के बारे में सोचना चाहिए, यहाँ पर आप भूल जाना चाहिए कि हाँ IPL का एडवांटेज है, आप खेल के आए हैं, लेकिन जो टीम की कम्बिनेशन बनता है उसके ऊपर गौर करना चाहिए और इंडिविजुअल प्लेयर के ऊपर नहीं होना चाहिए। सर एक अक्सर हमने आपसे सुना है, आप इंडियन टीम की हम जब बात करते हैं, ऑलराउंडर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। इंडियन टीम इस बार कई सारे ऑलराउंडर्स लेके जा रही है, शिवम दुबे का भी सिलेक्शन हुआ है इस बार और हार्दिक पांड्या जो है वो भी, उन पर भी नज़रें रहेंगी, क्योंकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ इतना अच्छा सीजन बीता नहीं। किस तरीके से देखते हैं सर, क्या हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप में, जो IPL में नहीं हो पाया, वर्ल्ड कप में हमारे लिए अच्छा करेंगे? उम्मीद यही है और सेलेक्टर्स को भी उम्मीद है कि एक बड़ा प्लेयर है और बड़ा प्लेयर कितनी जल्दी बाउंस बैक कर सकता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, IPL में हम सोचते थे कि इस बार हार्दिक पांडे बहुत बेहतर खेलेगा, लेकिन वो अपनी एबिलिटी से कम बेहतर खेला है, लेकिन उम्मीद करते हैं जब इंडियन टीम आती है या इंडियन टीम की कैप पहनते हो तो थोड़ी सी जोश जुनून बदल जाता होगा। बिल्कुल सर, ऋषभ पंत वहाँ पर मौजूद हैं और लगभग 500 से कुछ ज़्यादा दिन बाद वो भारतीय टीम की जर्सी में हमें दिखाई देंगे मैदान पर उतरते हुए। ऋषभ पंत से क्या उम्मीद है, क्योंकि IPL सीजन बड़ा दमदार गया है और अगेन जो फायर पावर वो देते हैं वो बहुत शानदार, और USA और वेस्टइंडीज की पिचेस को लेकर बोला जा रहा है कि वहाँ पर तेज खेलने वाले बल्लेबाजों की हमें ज़रूरत है, एंड अगेन ऋषभ पंत वहाँ होंगे, वो डिलीवरी उनके बल्ले से देखने को मिलेगी। देखिए, जो वो जिस समय थे और 500 दिन का गैप जो आप कह रहे हैं, शायद IPL बीच में मिला है, लेकिन अभी हमें उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे तो नहीं है, लेकिन वो बेहतर खेलेंगे तो वो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर हैं, इम्पैक्ट प्लेयर माने जाते हैं, तो इसलिए मैं प्रेशर या कुछ कहना नहीं चाहता, यही चाहता हूँ कि 2-4 मैच हिंदुस्तान के लिए जब खेलते हैं तो अलग सोच होती है, अलग तरह की खेलने का तरीका होता है, और जब आप एक क्लब की तरफ से खेलते हैं तब अलग होता है, तो उम्मीद करते हैं कि ऋषभ पंत जल्दी से जल्दी इस टीम में घुल मिल जाएंगे और वापसी कर रहे हैं, क्योंकि 500 दिन के बाद वापस आना आसान नहीं होता। सर गेंदबाजी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडियन टीम का जो बड़ा मैच है वो पाकिस्तान के साथ होगा 9 तारीख को, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गेंदबाजी में सर पाकिस्तान काफ़ी मजबूत नज़र आती है, अगर हम उनकी गेंदबाजी देखें, इंडियन टीम भी काफ़ी मजबूत है, लेकिन इस बार हमारे पास मोहम्मद शमी नहीं है, हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, हमारे पास हरदीप सिंह को हमने देखा सिलेक्शन मिला उनको, और सिराज भी हैं जो कि IPL इतना अच्छा उनका गुजरा नहीं, तो क्या सर इंडियन टीम की गेंदबाजी मोहम्मद सिराज अगर थोड़ा सा और बेहतर कर लेते, आपको लगता है कि ठीक है हमारा बॉलिंग? देखिए, आप टीम इंडिया खेल रही है, आप इंडिविजुअल नहीं खेल रहे, शायद किसी का ऑफ डे हो सकता है, ये सबसे बेहतर आपके पास प्लेयर आप लेके आए हैं, और दूसरा पाकिस्तान की अगर बात कर रहे हो, गेंदबाजी के बात कर रहे हो, तो फिर आप इंडियन प्लेयरों के बैट्समैन की भी बात करें कि इनसे बेहतर बैट्समैन भी नहीं है, लेकिन उस दिन कौन सा गेंदबाज, कौन सा बल्लेबाज किस तरह खेलता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, पिछले आंकड़े वो रह गए, वो पीछे रह गए, अगला मैच में वो क्या परफॉर्मेंस करते हैं उस पर गौर करना होगा। सर T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जब वो स्क्वाड सिलेक्शन होने वाला था, उस वक्त US और वेस्ट इंडीज़ की पिचेस को लेकर बड़ी सारी बात निकल कर आई थी कि डैम पिचेस होंगी, थोड़ी स्लो पिचेस होंगी,
आपसे बेहतर वेस्ट इंडीज की पिचेस को कौन जानेगा, बहुत क्रिकेट खेला है आपने, बट अगेन वो टाइम के साथ वो पिचेस वो कंडीशंस थोड़ी इवॉल्व जरूर हुई होंगी, बट उन कंडीशंस के बारे में जो बातचीत हुई है उस पर आपका क्या मानना है? कुछ नहीं, देखिए वो सब कंडीशन सबके लिए एक समान है, और जब आप जाते हैं, जब हिंदुस्तान खेलते हैं तो सबके लिए एक समान है, हम ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं तो भी सबके लिए एक समान है, अगर लोकल प्लेयर्स को एडवांटेज है सो है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कितनी जल्दी, एक बड़ा प्लेयर वही माना जाता है कितनी जल्दी आप ढाल लेते हो, अपने आप को उन परिस्थितियों में ले आते हो जहां पर आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। आप एक्सक्यूज़ ढूंढने के लिए पिच की बात करते हैं या बाकी चर्चा होती है, मुझे लगता है आप उस समय उस दिन अपने खेल को एक इस स्तर पर लेके जाए जहाँ पर आपकी टीम को फ़ायदा हो। बिल्कुल सर, हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप अब शुरू होने वाला है, वेस्ट इंडीज़ टीम को अगर हम बात करें T20 फॉर्मेट में एक अलग ही टीम नज़र आती है। आपने बहुत अच्छे से वेस्ट इंडीज़ टीम को फेस किया है, कई इंडियन टीम ने बड़े मैचेस जीते वर्ल्ड कप हमें याद है सबसे फेमस। सर आज की वेस्ट इंडीज़ टीम को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा ऑस्ट्रेलिया को हराया उन्होंने, तो क्या इन वेस्ट इंडीज़ टीम को कमतर आंका जा सकता है क्योंकि अपने घर पर खेल रहे हैं वो? नहीं, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा आजकल एडवांटेज है घर पे खेलने का, लेकिन वेस्ट इंडीज़ टीम के पास इम्पैक्ट प्लेयर हैं और T20 में इम्पैक्ट प्लेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारा टूर्नामेंट बेहतर ना खेलो, दो मैचेस आके एक प्लेयर ऐसे इनिंग खेल सकता है कि 30 गेंदों में 70 रन बना सकता है, तो वो उनके पास ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर हैं जिनको ध्यान से या सोच के रखना होगा कि इनके सामने किस तरह गेंदबाजी की जाए और कैसे खेला जाए। हाँ, शायद ये वेस्ट इंडीज़ टीम की ये फील्डिंग इतनी सुपर्ब नहीं है जो 80s में हुआ करती थी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का नाम जब आता है तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान देकर ही खेलना पड़ता है, चाहे वो मैचेस जीते ना जीते, उनके पास ऐसी टीम है कि कोई भी प्लेयर आता है एक मैच आराम से अकेले अपने दम पे जिता के लेके जा सकता है। सर वेस्ट इंडीज की बात हो रही है, T20 क्रिकेट की बात हो रही है, लेकिन हालिया वक्त में हमने सर T20 क्रिकेट के उस खेलने के अप्रोच में बदलाव को देखा है। इस आईपीएल में हमने देखा बड़े सारे इतिहास बने हैं, 250 रन बनाना T20 में लगभग आम सी बात हो गई थी एक वक्त पर, और इसमें जो फायर पावर मिलती है, जो बल्लेबाज जो है जो ताबड़तोड़ गति से रन बनाते हैं, T20 क्रिकेट के इस बदलते अप्रोच को, इतने सारे रन बनना, इस चीज को कैसे देखते हैं, इस शिफ्ट को, इस बदलाव को सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये इम्प्रूव होता जाता है जैसे जैसे आप, अगर वनडे की मैच की बात करें, जब 80s की बात करें 220-230 विनिंग स्कोर होता था, फिर 250 भी मुश्किल नहीं लगता था, फिर 270 भी इवन स्कोर, आज 300 भी आप करते हैं तो टीमें कर सकती हैं, क्योंकि ये बदलाव आ रहा है। और उसके लिए अगर आप सोचें कि आज 150 से आप T20 का मैच जीत सकते हैं, ऑड मैच जीत सकते हैं, 90% आप जीतने की उम्मीदें कम हो जाती हैं। सर पिछले 2 साल से इस T20 वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है, जो हमारा पिछला वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया था उसके बाद से कई खिलाड़ियों को मौका मिला, नए खिलाड़ी आए, पुराने भी खेल रहे हैं, लेकिन एक प्रेशर तो है। रोहित शर्मा ने खुद कबूला कि वर्ल्ड कप जिस तरीके से हम आखिरी मोमेंट में मिस कर गए अहमदाबाद के अंदर, लेकिन उसके बाद जो 6 महीने राहुल द्रविड़ और इवन रोहित शर्मा ने बहुत मेहनत की, टीम ने बहुत तैयारी करी, और अब एक बैलेंस साइड नज़र आ रही है टीम की, क्या लग रहा है सर प्रेशर इस बार भी होगा क्योंकि ICC ट्रॉफी आए हुए बहुत वक्त बीत चुका है? हाँ, ये जब आप कहते हैं ना कि बहुत तैयारी कर रहे हैं, अभी तो ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा तैयारी है, अभी IPL ख़त्म हुआ है और अब टीम जुड़ेगी बैठेगी, अगर आप 20 दिन का एक कैंप लगते हैं तो मैं सोच सकता हूँ तैयारी हो सकती है। इस समय तैयारी तो ऑलरेडी IPL ने करवा दिया है, आप कैसे एकजुट बनकर खेलते हो उसके ऊपर ध्यान देना होगा। सर इस पर एक सवाल और है कि IPL, इंडियन IPL में हम देखते हैं फॉरनर प्लेयर भी खेलना बड़ा पसंद करते हैं, पिछले कुछ जब से शुरुआत हुई है 2008 से, तो हम मान के चलते हैं कि इंडियन प्लेयर्स की तो तैयारी हो रही है, लेकिन जो अपोजिशन टीम्स है वो भी बहुत कुछ यहाँ से लर्न करके जा रही है और हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हम भी सीख रहे हैं, हमारे प्लेयर भी सीख रहे हैं, बेहतर से बेहतर बल्लेबाज आके बल्लेबाजी कर रहे हैं, हमारे गेंदबाज उनसे उनको डिफ़िकल्ट पोजीशन में गेंदबाजी करते हैं, वही बैटिंग के लिए भी अच्छे से अच्छे गेंदबाज दुनिया के आके ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो ये दोनों तरफ है, आप एक तरफ नहीं कह सकते कि उनको एडवांटेज है, लेकिन इंडियन प्लेयर्स को भी एडवांटेज है, अगर आज इंडियन क्रिकेट का स्तर ऊपर निकला है तो शायद IPL उसमें बहुत अहम रोल अदा करता है।
सर दोबारा तो पाकिस्तान वाले मुकाबले पर आते हैं, इस बार उनके पेसर मोहम्मद आमिर की दोबारा से वापसी हो गई है, वो टीम के साथ जुड़ गए हैं। लेफ्ट आर्म पेसर पाकिस्तान के हमने देखा है हमेशा टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी को थोड़ा परेशान करते हैं, निस्तनाबूद कर चुके हैं वो कई मरतबा। इस बार कंडीशंस अलग हैं, न्यूयॉर्क का मैदान होगा, बिल्कुल अलग कंडीशंस हैं, दोनों टीम शायद उतनी फैमिलियर नहीं होंगी। इस बार वो लेफ्ट आर्म सीमर्स का दलवा देखने को मिलेगा या हमारे टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का? थोड़े दिन इंतजार कर लेते हैं, पता चल जाएगा। देखो ऐसे ही हवा में तीर चलाने की ज़रूरत नहीं है, जब परिस्थितियों को आप बेहतर नहीं जानते तो फिर बड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस दिन कौन ज़्यादा कंट्रोल कर पाएगा, कौन प्रेशर ले पाएगा, बल्लेबाज या गेंदबाज, आई थिंक ये हमें इंतज़ार करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि बैट्समैन अभी फॉर्म में हैं, अच्छे प्लेयर जा रहे हैं, बेहतर खेल पाएंगे, लेकिन अगर उनके गेंदबाज बेहतर करेंगे तो तारीफ करनी होगी। सर पिछली बार भी मैंने आपसे ये सवाल किया था कि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो हमेशा प्रेशर गेम, हाई वोल्टेज गेम होता है, और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या इस बार भी मतलब वो प्रेशर रहेगा या इस बार आपको लग रहा है कि नहीं इंडियन टीम निकल जाएगी ईजिली पाकिस्तान के आगे? ईजिली तो नहीं कभी कह सकते, ईजिली तो किसी टीम के विरुद्ध नहीं कह सकते T20 में। हाँ जितना जितना मैच बड़ा होता जाएगा उतना उतना मैं इंडियन टीम को ज़्यादा चांसेस देता रहूँगा, लेकिन जब आप T20 का मैच आता है तो मैं ये नहीं कह सकता हाँ 95% और 105% में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इस समय T20 के मैचेस में आप कह सकते हैं 99% और 101% में ही अंतर है, इतना छोटा सा अंतर होगा। एक सवाल सर जाते जाते, आपकी टॉप चार पिक्स जो सेमीफाइनलिस्ट टीमें होंगी आपके हिसाब से कौन सी वो चार टीमें जो इस बार सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप की अपनी जगह पक्की कर रही हैं? कोई भी नहीं जो नीचे से चार ले लो वही लिख लो, क्योंकि T20 में आप ऐसा कभी कोई कह ही नहीं सकता। कोई ये बोले हाँ ये टीम के आधार पर आप चर्चा कर सकते हो, ये टीम बहुत बेहतर है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन अच्छी से अच्छी टीम को बाहर जाते देखा है और एक ऑर्डिनरी टीम बहुत बेहतर आके खेलती है, तो उन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो मुझे लगता है कि पहले 2-3 मैच होंगे तो शायद आपको अनुमान लग सकता है। सर एनी विश को ही विश दे दें अगर आप इंडियन टीम, इंडियन टीम को तो हमारा दिल भी ये कहता है, दिमाग भी ये कहता है कि शायद जाइए और जीत के आइए, और जीत के इसलिए कहने की हिम्मत पड़ती है क्योंकि टीम है, क्या ये एकजुट बनकर खेल सकती है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आता है, वरना इनके पास टैलेंट है, एबिलिटी है, बिल्कुल वो सब हथियार हैं जो एक टीम को चाहिए, एक्सपीरियंस कैप्टन हैं, एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, बड़े अव्वल नंबर के बल्लेबाज हैं, एक अच्छी फील्डिंग यूनिट है, और क्या चाहिए इस टीम को, थोड़ा सा स्ट्रोक ऑफ लक ज़रूर चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करें, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।